इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जो है, आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी। सीएम योगी ने विदेश जाने की मंजूरी दी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जाएंगे विदेश, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन के दौरे पर रहेंगे आईएएस नवनीत सहगल। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर नवनीत सहगल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो है, आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश जाने की उन्हें मंजूरी दे दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जाएंगे विदेश, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन के दौरे पर रहेंगे आईएएस नवनीत सहगल। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे आईएएस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी। सीएम योगी ने विदेश जाने की दी मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जाएंगे विदेश, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन के दौरे पर रहेंगे। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर नवनीत सहगल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जहां आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी। सीएम योगी ने विदेश जाने की मंजूरी दी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जाएंगे विदेश, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन के दौरे पर रहेंगे आईएएस। 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे आईएएस नवनीत सहगल। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से जहां आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी दी है। बता दें 9 से 14 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे आईएएस, और जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन के दौरे पर रहेंगे जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेश जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेश जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अस्मिता, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि लगातार उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कवायद चलती रहती है, जिसमें इन्वेस्टर समिट का में लोगों को आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विदेशी कंपनियां यहाँ पे आती है, रोजगार के नए आयाम स्थापित करते हैं और उसको और करीब से समझने के लिए और कंपनियों को इन्वाइट करने के लिए और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इन्विटेशन, आमंत्रण पत्र देने के लिए और अच्छी कंपनी हमारे प्रदेश में आए, हमारे लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सभी अधिकारी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं। इसी क्रम में आईएएस नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश जाने की मंजूरी दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेश जाएंगे, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन के दौरे पर रहेंगे आईएएस नवनीत सहगल। 9 से 14 दिसंबर तक का विदेश दौरे पर जाना उनका तय हुआ है। साफ तौर पर ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, खासतौर से भारत के लिए, कि विदेशी कंपनियां जब भारत में आती हैं और भारत में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आकर के लोग निवेश करेंगे। बेल्जियम में कई कंपनियां हैं, जर्मनी में कई कंपनियां हैं, स्वीडन में कई कंपनियां हैं, जो जहां से उनका मॉडल सीख करके यहां पर उनके कंपनी में काम करने का तरीके, उनके कार्य योजनाएं, परियोजनाओं को कैसे वो संचालित करते हैं। डेवलपमेंट देश की अगर बात करें, विकसित देशों की बात करें, बात अग्रणी है, लेकिन विदेशी कंपनियां जब उत्तर प्रदेश में आकर व्यवसाय के नए आयाम स्थापित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और पंक्ति के आखिरी पायदान पर खड़े इस व्यक्ति को, जो पंडित दीनदयाल जी की हमेशा सोच रही है कि अंतिम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को, पंक्ति के आखिरी, समाज के आखिरी लोग को जब योजनाओं का लाभ मिलने लगे, तो समझिए सरकार की वो सभी चीजें पूरी हो गई।
जिनके उद्देश्य से सरकार का संचालन किया जाता। तो बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश से कि नवनीत सहगल को अब विदेश जाने की मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया, उनका दौरा 9 से 4 दिसंबर को रहेगा। जी बिल्कुल, सचमुच एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत गर्व का विषय भी है ये कि ऐसे मौके सरकार जब देती है तो कई तरह की चीजें आती है। वो विदेश जाएंगे तो कई तरह की चीजें वो लेके आएंगे प्रदेश में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां IAS नवनीत सहगल को विदेश जाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई है।